जो हमसे टकराएगा। नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ हिंदुस्तान की बातचीत जारी है, लेकिन हिंदुस्तान ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि बातचीत करना भारत की कमजोरी नहीं है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके दो हफ्ते के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी के पास जाकर जो संधनाद किया है, उससे चीन को अपनी हरकतों पर अफसोस हो रहा होगा। यह रिपोर्ट देखिए। सरहद पर हुआ सिंहनाद तो सहम गए दुश्मन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मशीन गन देखकर डर गया ड्रैगन, तो पाकिस्तान के भी छूटे पसीने। रक्षा मंत्री के अंदाज से सेना का हौसला बुलंद। सत्रह जुलाई को एलएसी पर और 18 जुलाई को एलओसी पर रक्षा मंत्री पहुंचे, तो इसके पीछे का संदेश बीजिंग और कराची तक पहुंचने में देर नहीं लगी होगी। भारत माता की, भारत माता की। एलएसी में उठी ये गूंज बीजिंग तक उसके हर कार्य पहुंचा देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर कुछ इस अंदाज में जवानों का हौसला बढ़ाया। भारत माता की। उनकी जाबाजी को सराहा, उनके शौर्य को सलाम किया, उनकी पीठ थपथपाई, उन्हें मिठाई खिलाई। अपने जवानों के पराक्रम से भरोसे की उस ऊंचाई पर रक्षा मंत्री खड़े थे जहां से हिंदुस्तान की सरहद का चप्पा चप्पा महफूज नजर आ रहा था। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इसकी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की एक इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री ने लेह के करीब स्टानका में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को बेहद नजदीक से देखा। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो किया वो अद्भुत था, अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था। एक तरफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और दूसरी तरफ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे और बीच में मशीन गन से निशाना साधते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री का निशाना किधर था बताने की जरूरत नहीं है। इस तस्वीर का संदेश क्या था सरहद के मौजूदा हालात में, ये सभी को पता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो फील्ड कमांडर्स ने जमीनी स्थिति के बारे में उन्हें एक एक चीज बारीकी से बताई, वहीं दूसरी तरफ खुद रक्षा मंत्री लुकुंग इलाके में गए जो कि पेंगोंग झील के बेहद नजदीक है। पेंगोंग झील में अभी भी तनाव बना हुआ है और इस दौरान रक्षा मंत्री का वहां पर सैनिकों से मिलना बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री के हाथ में जो मशीन गन है वो दुनिया के अत्याधुनिक मशीन गनों में एक रूसी प्यूमलेट क्लाशनिकोव यानी पिका मशीन गन है। सोवियत संघ में इस मशीन गन को तैयार किया गया था और मौजूदा समय में रूस इसका उत्पादन करता है। 1961 में इस मशीन गन का पहली बार इस्तेमाल हुआ और इसे लगातार उन्नत किया जाता रहा। अभी भी इसका इस्तेमाल रूसी और कई देशों की सेना में अग्रिम मोर्चे पर किया जाता है। 9 से 10 किलो वजनी ये मशीन गन बेहद मारक मानी जाती है। ये 1 मिनट में 650 गोलियां दाग सकती है। ये 1 से 1.5 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है।
ये राइफल उठाना, हाथ में लेना एक बहुत बड़ा संकेत है चीन और पाकिस्तान के लिए। देखिए, रक्षा मंत्री के लेवल पे जब वो पॉलिटिकल लेवल पे इस तरह का बॉडी जेस्चरिंग करते हैं, इस तरह का सिंबॉलिक हरकत करते हैं, तो उसके कई बहुत बहुत कड़ा संदेश दुश्मनों को जाता है। पीका मशीनगन से निशाना लगाने के साथ साथ राजनाथ सिंह ने T-90 टैंक के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। देश के शूरवीरों के साथ राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये ना सिर्फ सरहद पर मौजूद जवानों में हौसला भर रही है, बल्कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को आश्वस्त भी कर रहा है कि LSC पर सब कुछ ठीक है। चीन ने अगर जरा भी गुस्ताखी की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। LSC पर सिंहनाद के बाद रक्षा मंत्री अगले दिन यानी 18 जुलाई को LOC पर पहुंचे। यहां कुपवाड़ा का फॉरवर्ड पोस्ट भारत माता की जय के उद्घोष से गूंज उठा। चिनार कॉर्प्स कमांडर ने पाकिस्तान के खिलाफ सेना की मुस्तैदी और तैयारियों की एक एक जानकारी दी। LOC पर जवानों से मुलाकात से पहले रक्षा मंत्री ने बाबा बर्फानी के दर्शन भी किए और विश्व शांति की कामना की। मोदी सरकार 2.0 में रक्षा मंत्री की चुनौती भरी जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद राजनाथ सिंह ने सरहद पर हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों को नया आयाम दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये 5 तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। जब भी सेना का मनोबल बढ़ाने की जरूरत हो तो वो हमेशा मोर्चे पर खुद पहुंच जाते हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए, एक तरफ लद्दाख में PM मोदी और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह। जब देश के 2 सर्वोच्च नेता खुद LSC पर पहुंचने का जज्बा रखते हो तो उस देश की तरफ कोई आंख उठाकर कैसे देख सकता है। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आस पास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की है। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और देश के अपने सारे ऐसे सेना के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। चीन की सेना ने चोरी चुपके जमीन हथियाने को अपनी फितरत बना ली थी, लेकिन अब की बार हिंदुस्तान ने समझा दिया कि बातचीत से समझोगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो समझाने के और भी तरीके हैं। प्रधानमंत्री मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की LSC की यात्रा यही बताती है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक। भारत माता की जय जयकार के बीच LSC पर हिंदुस्तान की ताकत जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह दिखी। स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडोज ने 14,000 फीट की ऊंचाई से छलांग भरी। वो छलांग ऐसी जगह पर भरी गई कि LSC के पास वाली चीनी सेना देख रही होगी। वहीं हिंदुस्तान की ताकत T-90 और T-72 टैंकों से भी पूरी तरह से दिखाई दी। चौदह हजार फीट की ऊंचाई और उस ऊंचाई से छलांग मारकर नीचे उतरते पैरा कमांडोस।
वो भी एलएसी से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर, जहां दुश्मन घात लगाकर बैठा है। लेकिन स्टानका में हवा में हौसले के साथ उतरते भारतीय जवानों की जाबाजी देखकर दुश्मनों ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के आगे हमारे जवानों ने ऐसा समा बांधा कि शूर वीरता की नई दास्तान बन गई। ये पैरा कमांडोज उस टीम का हिस्सा हैं जिसने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तब पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उन्होंने आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। आज इनका पराक्रम देखकर चीन को भी चक्कर आ गया होगा। पैरा एसएफ के इन जवानों ने वायुसेना के AN-32 जहाज से करीब 13,800 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। साथ ही ये पैरा ट्रूपर्स फिनलैंड की बनी सैको TRG-42 गन से लैस थे। सभी तरह के आधुनिक हथियार, गैजेट और खास बैलिस्टिक हेलमेट के साथ कुल 16 किलोग्राम के बैटल लोड के साथ इन कमांडोज ने ये छलांग लगाई। आपको बताते चलें कि पैरा ट्रूपर्स दो तरह से अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। जब पैरा ट्रूपर्स 18,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते ही पैराशूट खोल देते हैं, तब दुश्मनों के इलाके में 25 किलोमीटर अंदर तक जाते हैं, तबाही मचाते हैं। और जब इतनी ही ऊंचाई से फ्री फॉल करते हुए जमीन पर उतरने से ठीक पहले वो अपना पैराशूट खोलते हैं, तब सरहदों के बिल्कुल करीब उतरते हैं। इन जाबाजों के पास ऑक्सीजन टैंक और रिजर्व पैराशूट भी होते हैं ताकि मुश्किल से मुश्किल स्थितियों को भी मात दी जा सके। पैरा कमांडोज को ऊंचे पहाड़ी इलाकों मसलन गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और दौलत बेगोल्डी में युद्ध के लिए तैनात किया गया है। उनकी तैनाती तब तक जारी रहेगी जब तक चीन वायदे के मुताबिक पूरी तरह पीछे नहीं हट जाता। यही जाबाजी तो हिंदुस्तान की हिफाजत करती है। हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। T-90 और T-72 टैंकों का शक्ति प्रदर्शन, चीन ने देखे हिंदुस्तान के ब्रह्मास्त्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले हिम्मत वाली हुंकार भरी, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के साहस को सरहद पर जाकर अपनी सलामी दी। भारत के T-90 और T-72 टैंकों की खासियत के बारे में भी बताएंगे, मगर उससे पहले देखिए इन्होंने किस तरह अद्भुत माहौल बना दिया। टैंकों के साथ साथ यहां सशस्त्र सेना के जवान दुश्मन से निपटने के कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, दुश्मन की हर चाल को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना के जवान पोजीशन लेते हुए। बमबारी की आग और गोलियों की बौछार के बीच भी कैसे लोहा लिया जाता है, ये सैनिक वही बता रहे हैं। और इस फॉरवर्ड पोस्ट पर आकर आप सबसे मिलते हुए जहां मुझे बेहद खुशी हो रही है। अब जरा इन टैंकों की ताकत के बारे में भी जान लीजिए। T-20 थर्ड जनरेशन रशियन टैंक है। ताकत 18 हॉर्स पावर, स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे, हथियार 12.7 मिलीमीटर कॉर्ड हेवी मशीन गन से लैस। वहीं T-72 सेकेंड जनरेशन का टैंक है। ताकत 18.8 हॉर्स पावर, स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे, हथियार 25 mm 2446M और 2446M5 स्मूथ बोर गन से लैस। हिंदुस्तान और चीन के बीच में बातचीत चल रही है बॉर्डर को रिजोल्व करने के लिए। ये कहां तक सफल होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत जो है या कोई भी फोर्स है हिंदुस्तान की सरजमी की 1 इंच भी नहीं ले जा सकती। इससे उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है चाइना को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पाकिस्तान को और हिंदुस्तान के अंदर डोमेस्टिक ऑडियंस को। जिस पेंगोंग झील के पास फिंगर पॉइंट 4 से 8 तक चीन अपनी दादागिरी दिखाने की जरूरत कर रहा था, उसके पास ही लुंगकक पोस्ट के करीब भारत का ये शक्ति प्रदर्शन 15 मिनट तक चला। टैंक पर लहराता तिरंगा बता रहा था कि हिंदुस्तान का जोश कितना हाई है। पेंगोंग झील इलाके में चीन से लगने वाली सरहद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाथों में पीका मशीन गन और T-90 टैंक के साथ खड़े होकर चीनी सेना को साफ संदेश दिया कि भले ही इस वक्त
लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना पीछे हट रही हो और दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही हो, लेकिन भारतीय सेनाएं अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहती। खासतौर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना से मोर्चे के लिए भारतीय वायुसेना और सेना की पूरी तैयारी है। और ये बात सिर्फ लद्दाख की नहीं है, बल्कि लद्दाख में दौलत बे गोल्डी से लेकर अरुणाचल प्रदेश में किबुथू तक हिंदुस्तान के 20,000 जांबाज की निगहबानी हमारी सरहदों को चीन से बचा रही है और चीन को बता भी रही है कि खबरदार, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, ले आज तक। वैसे तो एलएसी पर लद्दाख में पहले से ही T-90 भीष्म टैंक, चिनूक हेलीकॉप्टर, Sukhoi-30 और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात हैं, लेकिन भारत ने ठाना है दुश्मन को सरहद पर पूरी तरह से मिटाना है, उसे सबक सिखाना है। इसीलिए अमेरिका, इजराइल, रूस और फ्रांस से बेहद अत्याधुनिक हथियार और लड़ाकू विमान तेजी से हिंदुस्तान की ओर से खरीदे जा रहे हैं। जब ड्रैगन ने कर दी दगाबाजी तो हिंदुस्तान ने दिखाई जाबाजी। दुश्मन कर रहा घात तो हिंदुस्तान भी जमकर खरीद रहा हथियार। चीन ने पहले दुनिया के 200 मुल्कों में कोरोना का महाविस्फोट किया और उसके बाद भारत के साथ एलएसी पर अकड़ दिखाने लगा, लेकिन उसने भारत को 1962 के हिसाब से आंकने की बहुत बड़ी भूल कर दी। उसका नतीजा यह हुआ कि एलएसी पर उसने खुराफात तो शुरू कर दी, लेकिन भारत ने दम दिखाया तो उसकी हेकड़ी गुम हो गई। बीजिंग वाली पीएलए एलएसी पर अपने कदम पीछे हटाने लगी। चीन को इस बात का अंदेशा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री 3 तारीख को आए और 2 हफ्ते के बाद रक्षा मंत्री भी लद्दाख आए हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि हिंदुस्तान बातचीत से मसला हल करना चाहता है और हिंदुस्तान चाहता है स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020। लेकिन अगर बातचीत से मसला हल नहीं हुआ तो हिंदुस्तान लड़ने के लिए तैयार है। चीन से टक्कर लेने के लिए मोदी सरकार ने 1 महीने के भीतर दूसरी बार तीनों सेनाओं को राइफल्स, मिसाइल, गोला बारूद, ड्रोन जैसे घातक हथियार खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सरकार ने 21 जून को 500 करोड़ रुपए और 15 जुलाई को 300 करोड़ रुपए और दिए। इस पैसे से कई हथियारों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने भी 2 जुलाई को 38,900 करोड़ रुपए के हथियार और गोला बारूद खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस पैसे से भारतीय वायुसेना 33 नए लड़ाकू विमान शामिल करने जा रही है। भारतीय सेना 72,000 अमेरिकी असॉल्ट राइफलों का ऑर्डर भी अमेरिका को देने जा रही है। दूसरी ओर अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इन राइफलों की कमी को दूर करने के लिए इजराइल से भी 16,000 लाइट मशीन गन का ऑर्डर दिया था। इसके अलावा भारतीय सेना हाथ से लॉन्च करने वाले और दूर से नियंत्रित करने वाले मानव रहित हवाई वाहन रेवन को अमेरिका से खरीदने वाली है। रूस से S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी जल्द ही भारत के पास आने वाला है, जिसके लिए कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को गए थे। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनके और तेजी से उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। साथ ही हिंदुस्तान इसराइल से हेरोन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी खरीदने जा रहा है।
जबकि भारतीय सेनाओं ने पहले ही इसराइल से स्पाइस 2000 बम, असॉल्ट राइफल, गोला बारूद और मिसाइलें खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चीन से निपटने के लिए भारत ने लद्दाख में अपने घातक हथियारों जैसे T-90 भीष्म टैंक, चिनूक हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे हैं। भारत की इसी ताकत को देखकर चीन को लग गया कि बातचीत करके पीछे हट जाने में ही भलाई है। दिल्ली में मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख पर एलएसी के दौरे से 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही लद्दाख होकर आए थे। उनका जाना सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा पैगाम था कि भारत अपनी एक एक इंच जमीन की हिफाजत के लिए किसी भी देश को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। और अब तो दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं कि चीन को उसके ब्लंडर का एहसास हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 3 जुलाई को अचानक लद्दाख पहुंचे तो पूरी दुनिया के लिए ये एक संकेत था कि चीन कैसे दुनिया को एक खतरनाक मुसीबत में झोंक रहा है। भारत में घुसपैठ की चीन की कोशिशों और तनातनी के बीच फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे मोदी को देख जवानों का हौसला आसमान छूने लगा। तब भी एलएसी भारत माता के इन नारों से गूंज उठी थी। तब भी इस गूंज से एलएसी के पार बैठे दुश्मनों का कलेजा कांपने लगा था। चीन और पाकिस्तान के हौसले पस्त होने लगे थे। राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले 2 माताओं का स्मरण करता हूं। पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, दूसरी वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया। गलवान में हिंदुस्तान के जाबाजों ने चीनी सेना को अच्छे से सबक सिखाया। प्रधानमंत्री मोदी जब उन जाबाजों के बीच जाकर दुश्मन को ललकार रहे थे तो इसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा था। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर, आपकी फायर भी देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। इंडिया टुडे के नए अंक में ये विस्तार से बताया गया है कि कैसे कोरोना काल में एलएसी की मर्यादा का अतिक्रमण करके चीन ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। इससे भारत और चीन के रिश्ते बुरी तरह प्रभावित हो गए। चीन को भी अपनी भूल का एहसास हो गया कि भारत की सैनिक ताकत मजबूत है। वहीं चीन का आर्थिक बहिष्कार बीजिंग की जेब खाली कर सकता है। साथ ही भौगोलिक राजनीतिक परिवेश भारत के पक्ष में है। अमेरिका का खुल्लम खुल्ला भारत के साथ होना चीन के लिए घाटे का सौदा है। हिंदुस्तान की तरह अमेरिका भी चीन से बुरी तरह खफा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विश्व शक्ति बनने के चक्कर में कई चीजों का हिसाब ठीक से नहीं लगाया। ड्रैगन ये भूल गया कि दुनिया चीन की विस्तारवादी नीति से आजीज आ चुकी है। इसी बीच उसने भारत से पंगा ले लिया। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। चीन को इस बात का एहसास तो है कि उसने लद्दाख में बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन चीन जैसा शातिर देश जल्दी पीछे नहीं हटता। ऐसे में वो पाकिस्तान को ज्यादा समर्थन और मदद देकर हिंदुस्तान को परेशान करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन चीन को जवाब देने का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी अपने वीर जवानों को दे आए हैं। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर
आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए भारत से टकराना बेहद घाटे और दुनिया भर में किरकिरी का सौदा बन चुका है। ऐसे में भारत से बातचीत के रास्ते से निकले फॉर्मूले पर चलना ही उनके लिए बेहतर कदम हो सकता है। आज तक ब्यूरो। लद्दाख में तनाव कम करने को लेकर भारत चीन के बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहा। दो इलाकों से चीन पूरी तरह से पीछे हट चुका है, जबकि दो इलाकों पर पेंच अभी फंसा हुआ है। अगर मामला बातचीत से नहीं सुलझा तो फिर गलवान जैसा टकराव हो सकता है। भारत ने साफ कर दिया है कि चीन को तमाम इलाकों से अपनी सेना को 5 मई से पहले की स्थिति में ले जाना ही होगा। चीन की हेकड़ी निकल गई, अड़ने की आदत नहीं गई। गलवान और गोगरा से पीछे हटा, दो इलाकों पर फंसाया पेंच। पेंगोंग हॉट स्प्रिंग में तनातनी। कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। चीन की हालत कुछ ऐसी ही है। गलवान में भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य से चीन का घमंड चूर चूर कर दिया। आज तक वो ये बताने को तैयार नहीं है कि उसके कितने सैनिक शहीद हुए, जबकि भारतीय सैनिकों के मुताबिक 15 जून को जहां भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, वहीं चीन के सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए थे। लेकिन सच को छिपाने के लिए चीन ने अपने सैनिकों का सार्वजनिक अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया। अमेरिकी खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो कोरोना के बहाने उसने उनका अंतिम संस्कार किसी सुनसान इलाके में गुपचुप तरीके से करने को कहा। लेकिन जमीन के लालच में चीन पूर्वी लद्दाख में अब भी दो इलाकों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। 14 जुलाई को भारत चीन के बीच 15 घंटे तक बातचीत चली। ये बातचीत दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर हुई। गलवान से चीन 1.5 किलोमीटर पीछे हट गया। दोनों सेनाओं के बीच अब 3 किलोमीटर की दूरी है। गोगरा पोस्ट से दोनों सेनाएं पूरी तरह पीछे हट चुकी हैं, लेकिन पेंगोंग में चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहाड़ी की चोटियों पर भारत चीन की सेना के बीच 1 किलोमीटर की दूरी है। हॉट स्प्रिंग में भी चीन पीछे नहीं हट रहा है। यहाँ चीन के सैनिक कम हुए हैं, लेकिन 40 से 50 सैनिक अब भी तैनात हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच महज 600 से 800 मीटर की दूरी। सैन्य और राजनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद फिलहाल पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों से चीनी सेना पीछे तो हटी है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा पेंच पेंगोंग लेक में फिंगर 8 को लेकर है, जहां पर चीनी सेना वापस फिलहाल जाने के मूड में नहीं दिख रही है। इस बीच भारतीय सेना और सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जब तक चीनी सेना पूरी तरह से अपनी परमानेंट लोकेशन पर नहीं जाती है, तब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति स्थापित नहीं हो सकती है। पेंगोंग इलाके में हथेली के आकार की इन पहाड़ियों के उभरे हिस्से को फिंगर कहा जाता है। पहले चीन की सेना फिंगर 8 पर थी, लेकिन 5 मई से पहले चीनी सेना 8 किलोमीटर अंदर तक आई और फिंगर 4 पर कैंप बना लिया। जबकि भारत का कहना है कि LAC फिंगर 8 से जाती है और चीन को उससे पीछे जाना होगा। पहले भारतीय सेना फिंगर 4 से आगे फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग किया करती थी। इस बार चीन फिंगर 4 पर आकर जम गया और भारतीय सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस वजह से ही झड़प हुई। 14 जुलाई को दोनों सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर कोर कमांडर स्तर की चौथे दौर की बातचीत हुई। इसमें पेंगोंग और हॉट स्प्रिंग पर बात नहीं बनी। भारतीय सेना के मुताबिक सीनियर कमांडरों ने सेना को पीछे हटाने के पहले दौर के प्रगति की समीक्षा की और पूरी तरह से सेना को पीछे हटाने के कदमों पर बातचीत की। दोनों पक्ष पूरी तरह सेना को पीछे हटाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ये प्रक्रिया जटिल है और इसमें लगातार जांच पड़ताल की जरूरत पड़ती है। इस बातचीत को कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर नियमित बैठकों से आगे बढ़ाया जा रहा है। कर्नल अमन आनंद, प्रवक्ता भारतीय सेना। भारतीय सेना ने दो टूक कह दिया है कि चीन को पूरी तरह से पीछे जाना होगा, वहां तक पीछे हटना होगा जहां उसकी सेना 5 मई से पहले थी। आज तक को मिली खास जानकारी के मुताबिक
पेंगोंग और हॉट स्प्रिंग से चीन को पीछे धकेलने के लिए बातचीत जारी रहेगी। भारत और चीन 21 और 22 जुलाई के आसपास सेनाओं के पीछे हटने का जायजा लेंगे और पूरी जांच पड़ताल करेंगे। जानकारों के मुताबिक इस बीच भारत को खुफिया जानकारी जुटानी चाहिए कि चीन की सेना का जमावड़ा कहां कहां और कितना है। इसके लिए अमेरिका जैसे देश की मदद ली जा सकती है, जो सैटेलाइट की तस्वीरों से पहले भी अहम जानकारी देता रहा है। हम लोगों को कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी बहुत फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर और उसके डेप्थ एरिया में मूवमेंट्स के ऊपर। ऑब्वियसली इसके लिए सबसे बड़ी चीज जो होगी वो हमारी रिसोर्सेज से और रिसोर्सेज जो हमारे पार्टनर्स के हैं, जिन कंट्रीज के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी है, उनके रिसोर्सेज सब मिला के इंटेलिजेंस पिक्चर ऑलवेज बिल्डअप करना। भारत और चीन दोनों को एक दूसरे पर यकीन नहीं है। आज तक को मिली खास जानकारी के मुताबिक एक डर है जो पेंगोंग और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने से चीन को रोक रहा है। चीन को ये डर है कि अगर उसने इन इलाकों को खाली किया तो भारतीय सेना यहां आकर जम जाएगी। दोनों इलाके ऊंचाई पर हैं और सैन्य रणनीति के लिहाज से दुश्मन पर बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस वजह से चीन ने फिंगर फोर के इलाके में कुछ ढांचों को गिरा दिया है। ब्लैक टॉप और ग्रीन टॉप के कुछ ढांचे गिराए हैं, लेकिन चीन ने इन इलाकों को पूरी तरह खाली नहीं किया है। ऐसी आशंका है कि चीन अगले साल फिर से ऐसी हरकत कर सकता है और अगर भारत चीन के बीच ये विवाद नहीं सुलझा तो फिर से टकराव हो सकता है। कुछ सालों में, 2-3 सालों में अगर हमारे बीच में कोई अच्छी तरह रफा दफा नहीं हुआ तो एक मेजर अटैक भी हम उम्मीद रख सकते हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो तैयारी है वो होनी चाहिए। यही वजह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री यांग यी से हुई बातचीत में साफ कर दिया था कि दोनों सेनाओं को पीछे हटना पड़ेगा। उन्हें वहां तक पीछे हटना होगा जहां वो मई से पहले स्थायी कैंप में थी। फिलहाल जहां से दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं वहां किसी तरह की पेट्रोलिंग नहीं होगी। अभिषेक भल्ला के साथ मनजीत नेगी, दिल्ली आज तक। लद्दाख में घिरे चीन की नकेल कसने के लिए भारत ने उसे समंदर में घेरने की बड़ी योजना बनाई है। इस योजना में दुनिया के कई ताकतवर देशों को इकट्ठा करने की भी प्लानिंग है। दरअसल चीन भी अब पहले की तरह समंदर में कमजोर नहीं है। ताकत के मामले में उसकी नौसेना अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आती है। इसी वजह से हिंदुस्तान भी कर रहा है दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर समंदर में चीन को घेरने की तैयारी। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच भारत ने समंदर में चीन की घेराबंदी का प्लान तैयार किया है। दरअसल समंदर में भारत को चीन पर अच्छी खासी बढ़त हासिल है। साल 2001 में जब भारत ने अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं का ज्वाइंट कमांड बनाया था तब चीन ने इसे बंगाल की खाड़ी पर दबदबा कायम करने के तौर पर देखा था। इस कमांड की ताकत उस हिसाब से नहीं बढ़ी जैसा सोचा गया था, लेकिन इसका प्रभाव ऐसा था कि 2003 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ की चिंता इतनी बढ़ गई थी कि उसे मलक्का की दुविधा का नाम दिया गया। पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना। लद्दाख में जहां भारतीय सेना ने चीन को सबक सिखाया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी चीन पर एक के बाद एक आर्थिक प्रहार लगाते चले गए। सबसे बड़ा प्रहार 59 चीनी एप्स पर बैन लगाकर किया गया। वहीं कई सरकारी ठेके से भी चीनी कंपनियों का पत्ता साफ कर दिया गया। सीमा पर चीन की गुस्ताखी और डिजिटल तरीके से भारत में घुसने की चाल को हिंदुस्तान ने डिजिटल स्ट्राइक करके नाकाम कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करके चीन पर जबरदस्त आर्थिक प्रहार किया। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। यह है भारत का संकल्प और साहस, यह हमें समझ।
हिंदुस्तान से कमाई करने वाला ड्रैगन भारत के खिलाफ ही साजिश रच रहा है। यही वजह है कि सिर्फ ऐप ही नहीं बल्कि चीन के सामान पर ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी है। वहीं सरकार अब आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर दे रही है। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया को बड़ी ताकत मिली है। खबर है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईफोन बनाने वाली कंपनी पेगाट्रॉन भारत में अपना असेंबली प्लांट स्थापित करने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ भारत के आर्थिक प्रहार से चीन के मीडिया में भी दर्द झलकने लगा है। कल तक भारत में रोजगार की समस्या का हवाला देने वाला ग्लोबल टाइम्स अब टिकटॉक के नुकसान का हिसाब लगा रहा है। ग्लोबल टाइम्स की माने तो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को 6 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो से हटने का फैसला किया। पीएम मोदी साल 2015 में वीबो से जुड़े थे। वहीं चीन के खिलाफ एक्शन का अमेरिका ने भी समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की प्रतिनिधि रह चुकी निकी हेली ने कहा कि भारत लगातार दिखा रहा है कि वो चीन के आक्रामक रवैये के आगे झुकने वाला नहीं है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी भारत के इस फैसले का स्वागत किया था। India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. चीन के 59 ऐप्स पर भारत ने बैन क्या लगाया, चीन के बाजार में हड़कंप मच गया। चीन के बिजनेसमैन से लेकर सरकार तक बुरी तरह बौखला गए। ऐप पर बैन को लेकर ड्रैगन ने अब भारत को इंटरनेशनल नियमों का हवाला दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अपने कदमों पर डटी रही। यही नहीं, सरकार ने एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट से चीन को बाहर कर दिया। भारत में 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए चीनी कंपनियों के साथ अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों BSNL और MTNL ने भी 5G सेवा विस्तार के लिए चीनी कंपनियों को ठेके दिए थे, जिन्हें रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कानपुर और आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कोच सप्लाई का टेंडर खुलने पर चीनी कंपनी को बाहर कर दिया। दोनों प्रोजेक्ट में 67 ट्रेनों के बीच कोच की सप्लाई होनी है। अब ये ठेका गुजरात की बम्बार्डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। पिछले दिनों भारत सरकार ने चीन से आयात होने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इसमें चीन निर्मित खिलौनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर सामान शामिल है। इससे चीन को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। आज तक ब्यूरो। भारत आज एक साथ दो दो दुश्मनों का सामना कर रहा है। एक तरफ हमारा पड़ोसी चीन है तो वहीं दूसरी तरफ है पाकिस्तान, और दोनों की हरकतें क्या है दुनिया के सामने। भारत के पराक्रम को देखते हुए इस वक्त दोनों साथ आ गए हैं। लद्दाख में तनातनी के बीच चीन ने पाकिस्तान में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची है। वो न केवल पाकिस्तान को भारत की जासूसी करने वाले उपकरण मुहैया करा रहा है बल्कि भारतीय सीमा के उस पार हवाई पट्टियां भी बना रहा है। कश्मीर में भारत की जबरदस्त तैयारी से चीन और पाकिस्तान दोनों डरे हुए हैं। लिहाजा भारत पर नजर रखने के लिए पीओके में चीन और पाकिस्तान ने गठजोड़ कर लिया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है कि पीओके में चीन ने सर्वेलांस सिस्टम लगाए हैं। गुजरात राजस्थान पर भी चीनी उपकरण से निगरानी रखने की योजना है। इसके लिए पाकिस्तान ने चीन से बड़े पैमाने पर बर्फीले इलाके में काम आने वाली ड्रेस खरीदने का फैसला किया है। अमेरिका के शब्दों में धूर्त घोषित किया गया चीन और दुनिया की नजरों में आतंक का दूसरा नाम बन चुके पाकिस्तान ने भारत की सैन्य और राजनीतिक ताकत से डरकर पीओके में नई साजिश रची है। पीओके ही नहीं, इस साजिश को भारत के दो दुश्मन देशों ने गुजरात राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार भी अंजाम दिया है। आज तक को खुफिया सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर की राजौरी सेक्टर के सामने पाकिस्तान ने पीओके में चीन से मिला सर्विलांस सिस्टम लगाया है।
इससे वो भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। सूत्रों की माने तो पीओके में पाकिस्तान ने जीआरएफ टॉप और फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन चलीरा में सर्विलांस सिस्टम लगाया है। निगरानी रखने वाले उपकरण चीन की मदद से कई जगहों पर लगाए गए हैं। चीन शिनजियांग से पाकिस्तान के ग्वादर तक आर्थिक गलियारा बना रहा है। ये सड़क उस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर जाती है, जिसे मोदी सरकार अखंड कश्मीर का हिस्सा मानती है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि अक्साई चीन भी कश्मीर का ही हिस्सा है। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को आज। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है, और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। इस वजह से ही मोदी सरकार चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे का विरोध करती रही है और चीन पाकिस्तान में बेचैनी मची है। अब दोनों ने भारत पर निगरानी की नई चाल चली है। पीओके हमारा जमीन है, कानूनी दृष्टिकोण से और महाराजा हरी सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत ये जमीन हमारा है। गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने ले रखा है और वक्त है कि हमारा जमीन हमको वापस मिलना चाहिए। तो इसके लिए पाकिस्तान भयभीत है और सर्वेलेंस सिस्टम लगा के वो समझता है कि हिंदुस्तान की फौज की जो भी अटैक मेजर्स होंगे, अटैक की कार्रवाई होगी, उसको अर्ली सूचना मिल जाएगी और वो काउंटर मेजर्स कर पाएगा। पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, वो ये भूल नहीं पा रहा है कि पीओके के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट के आतंकी अड्डे पर एयर स्ट्राइक, उसे हवा तक नहीं लगी थी और भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दे दिया था। अब पाकिस्तान ने सिर्फ पीओके ही नहीं, चीन की मदद से राजस्थान गुजरात सीमा के करीब निगरानी के उपकरण लगाए हैं। इन उपकरणों को कई अहम ठिकानों पर लगाया गया है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर के उस पार निगरानी के उपकरण लगाए गए हैं। इसके अलावा चीन की मदद से पाकिस्तान गुजरात के भुज से 50 से 60 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट और रनवे बना रहा है। खुफिया सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इस काम के लिए पाकिस्तानी सेना के 20 अधिकारी और 300 से ज्यादा मजदूर लगाए गए हैं। जानकारों की माने तो भारत के साथ युद्ध के हालातों में चीन इन हवाई पट्टियों का इस्तेमाल कर सकता है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। भारत माता की, भारत माता की। अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत की बदौलत चीन पूरी दुनिया में अपना जाल फैलाता जा रहा है। हाल ही में उसने ईरान के साथ एक बड़ा सौदा किया और उसके बाद भारत के हाथ से एक बड़ा करार निकल गया। चीन की इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को नई रणनीति तैयार करनी होगी। भारत माता की, भारत माता की। लद्दाख में भारतीय सेना के पराक्रम ने सुपर पावर बनने वाले चीन का गुरूर चूर चूर कर दिया, लेकिन दगाबाजी और चालबाजी के लिए कुख्यात चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने भारत के दोस्त ईरान को अपने जाल में फंसा कर एक नई साजिश रच दी। चीन ने ईरान के साथ 400 अरब डॉलर की एक ऐसी डील की जिसके तहत ईरान 25 साल तक चीन को बेहद सस्ती कीमत पर कच्चा तेल और गैस देगा। बदले में चीन ईरान में बड़े पैमाने पर निवेश करेगा, लेकिन इस डील का सबसे खतरनाक हिस्सा हथियारों को लेकर किया गया सौदा है। इसके तहत चीन ईरान को घातक हथियार दे सकता है। चीन ने ईरान के साथ ये समझौता गुपचुप तरीके से उस वक्त किया है जब दुनिया कोरोना संक्रमण से जूझ रही है। परमाणु कार्यक्रम और हिजबुल्ला हमास जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन देने की वजह से अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी लगा रखी है। इस वजह से ज्यादातर देश उससे तेल नहीं खरीद रहे हैं। भारत सबसे ज्यादा तेल ईरान से खरीदता था, लेकिन अमेरिकी पाबंदी के बाद उसने ईरान से तेल का आयात लगभग बंद कर दिया है।
दूसरी तरफ चीन सबसे ज्यादा तेल ईरान से खरीदता रहा है और इस डील के बाद उसे बेहद सस्ती कीमत पर तेल मिलेगा। अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए चीन ने एक तरफ जहां ईरान के साथ ये सौदा किया, वहीं सौदे की खबरों के बीच ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया है। इस परियोजना को भारत की सरकारी कंपनी एयरकॉन पूरा करने वाली थी। द बायलेटरल एग्रीमेंट टू डेवलप द चाबहार पोर्ट एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अबाउट $500 million फ्रॉम इंडिया For this purpose is an important milestone. ईरान कह रहा है कि अब इस प्रोजेक्ट को वो खुद पूरा करेगा, लेकिन इसके पीछे चीन की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है चाइना की, जिससे वो भारत को सर्कल करने की कोशिश कर रहा है पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में, उसमें ये एक सक्सेस सिग्नल तो है चाइना के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूएस और इसराइल, अमेरिका और इसराइल जो हमेशा से ही चाहते थे कि भारत और ईरान के बीच में इतने क्लोज टाइज ना हो। हालांकि ईरान में चीन के साथ हुए समझौते का विरोध शुरू हो गया है। ईरान के लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की आशंका जाहिर कर रहे हैं। ईरान के सोशल मीडिया में ईरान नॉट फॉर सेल नॉट फॉर रेंट, यानी ईरान किराए के लिए नहीं है, ईरान बिकने के लिए नहीं है, हैशटैग के साथ मैसेज पोस्ट किए जा रहे हैं। ईरान के लोग इसे चीनी उपनिवेशवाद की शुरुआत बता रहे हैं। वहीं चाबहार जादिहान रेलवे प्रोजेक्ट से भारत के बाहर होने के आने के बाद अब ईरान एक और बड़ी परियोजना पर अकेले आगे बढ़ सकता है। ये परियोजना गैस फील्ड फारजाद बी ब्लॉक के विकास को लेकर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईरान ने भारत को सूचित किया है कि फिलहाल गैस फील्ड को वो अकेले ही विकसित करने जा रहा है। ईरान ने कहा है कि भारत इस परियोजना में बाद में शामिल हो सकता है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को खत्म करते हुए उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए थे। इसका असर ईरान में भारत की परियोजनाओं पर भी पड़ा है। भारत को अब अमेरिका के दबाव से बाहर आकर वैश्विक समझौतों पर अपना फैसला करना होगा। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान को तो हिंदुस्तान ने कई बार पटखनी दी है और चीन को भी इस बार समझ में आ गया होगा कि यह 1962 का हिंदुस्तान नहीं बल्कि अब पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने वाला भारत है। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।